जब चुनावों के टाइम पे मैं गांवों में गई, मैंने 3-4 गांवों में जाके देखा कि दलित वर्ग से बात की, कि उन्होंने बताया कि हम लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। तो हम इनसे लड़ने लायक थे नहीं, लड़ने के लायक नहीं थे उनके, हम छोटे वर्ग के तो हैं, इस कारण नहीं गए हम। यदि आप वोट डालते तो आपको क्या मिलता? हमको लाठियाँ मिलती और क्या मिलता, पिटाई होती हमारी और वहाँ क्या मिलता, फूल नहीं बरसते। हमने कलेक्टर को SP फोन करे, सबके हमारे पास फोन है लेकिन हमारे पास कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। हमारे देश को 65 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे करौली जिले में दलित परिवार मतदान देने से वंचित हैं। अच्छा खासा उदाहरण इसका पर जिस दिन वोटिंग हुई थी उसी दिन हमारे पास में चैनपुर गांव के सरपंच थे, वो दलित थे, उनको मारा और उनको वोट नहीं डालने दिया। मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मोटरसाइकिल से जा रहा था मैं, तो इन लोगों ने ऐसे 30-40 लोग है चैनपुर के, ये मीना थे, और उनने मेरे को क्या हुआ कि गाड़ी पटकवाई है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल पटकवा के मेरी मारा पीटी करी है, और मेरे मारने की बिल्कुल उनने पूरी कोशिश करी है बिल्कुल कि इसको ख़त्म कर दो। ऐसा किया था कि वोट मन को बामे दब्बा लाखन के लिए राजपा में वोट दब्बा, इसलिए नहीं तो मारेंगे, और मेरी मोटरसाइकिल खुसा लिए, मेरी एक चैन तोड़ दी है, और जेब में 9,500 रुपये रखे थे वो ले लिए, मेरी डायरी फायरी पहचान पत्र वगैरह सब सारी चीज़ उनने खुसा ली है, वोट नहीं डालन दिया मेरे को, मैं तो वोट डालने जा रहा था। आपने वोट डाला अपना? वोट डाल गए जब तो ये झगड़ा किया मैंने। आप कौन सी जाति से हो? हम जाटा में। और जिन्होंने वोट नहीं डालने दिए वो मीना है। मैं चाहती हूँ कि निर्वाचन विभाग ध्यान दे। निर्वाचन विभाग के अधिकारी का नंबर है 01412227411। गांवों में दलित वर्ग के लिए चुनाव के बाद भी शारीरिक व मानसिक पीड़ा का सामना न करना पड़े। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।